हेलो यार, कैसे सब लोग। तो आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डाउनग्रेड प्रोसेस को देखने वाले हैं, कैसे आप अपने MIUI के डिवाइस को डाउनग्रेड कर सकते हैं। और ये ट्रिक हर Xiaomi के डिवाइसेस में वर्क रहती, चाहे वो पोको का डिवाइस रहने दो या फिर Redmi का डिवाइस रहने दो, सबका प्रोसेस सेम है। और आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपको बताने वाला हूँ। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका फोन जो है डाउनग्रेड हो जाता। डाउनग्रेड करने के बहुत सारे रीजंस रहते, जैसा आप फोन लैग करने लगता, कुछ अपडेट्स में बग्स आ जाते, तो अपने को यहाँ पे डाउनग्रेड करना पड़ता अपने डिवाइस को। जो MIUI के लेटेस्ट अपडेट्स है इसमें सारे बग्स अपने को मिल रहे हैं, तो बेस्ट अपने डिवाइस को डाउनग्रेड करना ही है। पहले के अपडेट्स बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स में बहुत सारे बग्स ये लोग डाल के दे रहे हैं। डिवाइस को डाउनग्रेड करने से आपका जो परफॉर्मेंस है डिवाइस का बढ़ जाता, और कोई भी लैग वगैरह अगर आपको फेस करने को मिल रहा तो आप डाउनग्रेड कर लीजिए। डाउनग्रेड करने से लैग बिल्कुल खत्म हो जाता। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन जल्दी से प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले। अगर चैनल पे पहला विजिट है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये ऑफिशियल मेथड है, अपन कोई सा भी थर्ड पार्टी मेथड यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, तो टेंशन बिल्कुल ही मत लेना। एकदम ऑफिशियल मेथड से मैं आपको यहाँ पे डाउनग्रेड करके बताऊंगा अपने डिवाइस को। तो चलो फिर अपन जल्दी से प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने डिवाइस पे चलूंगा, मैं यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर लूंगा, अबाउट फोन पे मैं टैप करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते मेरे डिवाइस में MIUI 14 इंस्टॉल्ड है, 14.0.5 स्टेबल और ग्लोबल वर्जन मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो थोड़ी देर में अपन इसको डाउनग्रेड करने वाले MIUI 12 ऑफिशियल मेथड की मदद से। और यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन भी आप चेकआउट कर सकते हैं, 12 यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन है इसका। और एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपके डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक रहना चाहिए। आप कैसा पता करोगे कि आपके डिवाइस का बूट लोडर लॉक्ड है या फिर अनलॉक्ड है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अबाउट फोन सेक्शन में ही आपको यहाँ पे नीचे डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे टैप करिए। और इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको MIUI वर्जन पे 3-4 बार टैप करना पड़ता। तो यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप पॉपअप देख सकते हैं, यू आर नाउ अ डेवलपर। तो अपना जो डेवलपर ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल हो जाता। तो आपको यहाँ पे बैक आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से लेंगे पर यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन आता है, इस पे टैप करिए। और यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाता, सिंपली इस पे टैप करिए। थोड़ा यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे मी अनलॉक स्टेटस का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता, इस पे टैप करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक्ड है, दिस डिवाइस इज अनलॉक्ड यहाँ पे अपने को लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके डिवाइस में कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा तो इसका मतलब आपके डिवाइस का बूट लोडर लॉक्ड है। तो आपको पहले अपने डिवाइस के बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता। कैसे अनलॉक करना है वो भी अपने चैनल पे वीडियो है, आप आई बटन पे देख लेना। बिना बूट लोडर अनलॉक किए आप अपने डिवाइस को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक्ड है, तो अपन यहाँ पे आगे के प्रोसेस को देखने वाले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करना चाहूंगा कि आपके पास यहाँ पे PC रहना जरूरी है। विदाउट PC के भी आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस नहीं है, तो फिलहाल तो मैं आपको नहीं बता सकता कि एंड्रॉइड से आप अपने डिवाइस को कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। लेकिन बहुत जल्द अपन वो कंटेंट लाने वाले हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो टेंशन न को लियो, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है सारी फाइल्स सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, और लिंक भी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने डिवाइस का फर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ता, मतलब अपन जो वर्जन पे डाउनग्रेड कर रहे हैं उसका फर्मवेयर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता। तो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, आपको आ जाना है अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे आपको सर्च करना है Xiaomi फर्मवेयर अपडेटर। सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, इसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट अपनी लोड हो गई, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते स्क्रॉल टू डाउनलोड्स ऑप्शन आता है, इस पे टैप करो तो ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल कर देता। और यहाँ पे आपको डिवाइसेस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको अपने डिवाइस का नाम सर्च कर लेना है। जैसा कि मैं अपने डिवाइस का नाम यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे अपने डिवाइस का नाम सर्च कर लिया और ये सिलेक्ट भी हो गया। और आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे टैप कर देना पड़ता। जैसे आप डाउनलोड वाले बटन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फर्मवेयर्स मिल जाएंगे, आपके डिवाइस के जितने भी अवेलेबल फर्मवेयर्स है सारे यहाँ पे अवेलेबल रहते, कौन से भी फर्मवेयर को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते। तो अपन यहाँ पे अपने डिवाइस का MIUI 12 वर्जन को डाउनलोड करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे MIUI 12 वर्जन अवेलेबल है, लेकिन आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपको यहाँ पे फास्ट बूट रॉम डाउनलोड करना है, आपको यहाँ पे रिकवरी रॉम को डाउनलोड नहीं करना है। जैसे कि देख सकते हैं रिकवरी रॉम है और ये फास्ट बूट रॉम है, तो आपको सिर्फ फास्ट बूट रॉम ही डाउनलोड करना है। तो मेरे डिवाइस का यहाँ पे MIUI 12 वर्जन वाला फास्ट बूट रॉम नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करने वाला हूँ। अगर आपके डिवाइस का भी यहाँ पे MIUI 12 वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो एक नया टैब अपन ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अपन सर्च करेंगे अपने डिवाइस का नाम, MIUI 12 फास्ट बूट रॉम डाउनलोड आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे पहली वेबसाइट पे तो अपन देख लिए उस पे नहीं है, तो अपन यहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस का जो फास्ट बूट रॉम है मेरे को मिल गया था, 12.5.8 यहाँ पे वर्जन अवेलेबल है, तो मैं इसी को डाउनलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन है, मैं इस पे सिंपली इस पे टैप कर दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग अपनी स्टार्ट हो जाती। इसको डाउनलोड होने दो, थोड़ा सा टाइम लगता है डाउनलोड होने में, अराउंड 3 GB की फाइल रहती है, तो इसको अपन डाउनलोड होने देंगे। और आपको यहाँ पे और एक फाइल को डाउनलोड करना पड़ता, सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे अपन मी फ्लैश टूल, तो ये टाइप कर देने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद थोड़ा सा नीचे लेंगे अपन, यहाँ पे डाउनलोड नाउ वाले बटन पे टैप कर देंगे
और ये ऐड को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पे अपन टैप करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको भी अपन डाउनलोड होने देंगे और एक लास्ट फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। इस एडीबी सेटअप फाइल का नाम है। ये फाइल आपके लैपटॉप में सारे यूएसबी के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देगी ताकि आपको कोई भी एरर फेस करने को ना मिले। तो मेक श्योर करना है कि ये फाइल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको डाउनलोड करके ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली इस पे मैं डबल टैप कर दूंगा और यहाँ पे मैं परमिशन को अलाउ कर दूंगा। तो यहाँ पे ब्लू कलर का विंडो ऑटोमेटिक ओपन होता, आपको यहाँ पे तीन बार वाई टाइप करके इंटर मार देना है। कीबोर्ड पे तीन बार वाई टाइप करके अपन इंटर मार देंगे तो यहाँ पे विंडो ओपन होता, ड्राइवर्स इंस्टॉल करने को बोल रहा। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे ड्राइवर्स अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना। तो अपने सारे फाइल्स जो डाउनलोड हो चुके हैं, अपन यहाँ पे फ्लैशिंग मेथड पे जाने वाले हैं, कैसे आप डाउनग्रेड कर सकते हैं अपन देखेंगे। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे दो फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड मैंने कर लिया है, एक मी फ्लैश टूल है और एक अपना फर्मवेयर है 12.5.8। तो अपन इन दोनों फाइल को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मी फ्लैश टूल को अपन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपन ये फर्मवेयर वाली फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब इसको एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता, आप वेट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने दोनों भी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं और ये फोल्डर भी क्रिएट कर देता ऑटोमेटिक। तो जिप फाइल्स का काम यहाँ पे हो गया, अपन इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। जिप फाइल्स को डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे मी फ्लैश टूल फोल्डर को ओपन करना पड़ता है। इसको अपन डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इस वाले फोल्डर को भी अपन ओपन कर लेंगे। फॉर प्रिकॉशंस अपन यहाँ पे लॉक का फोल्डर क्रिएट करने वाले ताकि अपने को कोई भी एरर फेस करने को ना मिले। कभी कभी मी फ्लैश टूल में बहुत सारे एरर्स आपको फेस करने को मिलते हैं, तो लॉक का फोल्डर क्रिएट करने से जो है एरर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपली अपन यहाँ पे LOG करके एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। फोल्डर क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे सीधा स्क्रॉल करना है एट दी बॉटम और यहाँ पे आपको नीचे Xiaomi Flash की एप्लीकेशन मिल जाती है। सिंपली अपन इस पर डबल टैप करके इसकी यहाँ पे परमिशन को अपन अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मी फ्लैश का एप्लीकेशन ओपन हो जाता। यहाँ पे एट द टॉप आपको ड्राइवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे टैप करिए और यहाँ पे इंस्टॉल पे टैप कर दीजिए तो आपके डिवाइस में जितने भी ड्राइवर से इंस्टॉल हो जाएंगे आपको कोई भी एरर फेस करने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बार रिस्टार्ट होता आपको वापस से इसको ओपन करना पड़ता। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको चलना है अपने डिवाइस पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर लेना है। और हाँ, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपके डिवाइस का डेटा जो है वाइप होने वाला है, फॉर्मेट होने वाला है, तो अपने डिवाइस का कंप्लीट बैकअप आप ले लीजिए। तो अपन अपने डिवाइस को यहाँ पे पावर ऑफ कर लिए। अब आपको अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड पे लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, यहाँ पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखना पड़ता। थोड़ी देर यहाँ पे प्रेस करके रखिए तो यहाँ पे आपका फोन ओपन हो जाता और आप फास्ट बूट मोड पे आ जाते। अब आपको अपने डिवाइस को अपने पीसी से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे मैं अपने डिवाइस को अपने पीसी से कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने डिवाइस को अपने पीसी से कनेक्ट कर लिया है। वापिस से आपको मी फ्लैश टूल पे आ जाना पड़ता। यहाँ पे आपको टॉप पे रिफ्रेश वाला बटन दिख जाता है, इस पे टैप करिए तो यहाँ पे आपके डिवाइस का जो है सीरियल नंबर शो करता है। इसका मतलब यहाँ पे अपना डिवाइस सक्सेसफुली डिटेक्ट हो चुका है। ये सीरियल नंबर शो करना जरूरी है, अगर नहीं शो कर रहा है इसका मतलब आपके डिवाइस का बूट लॉक्ड लॉक्ड है, अनलॉक करना पड़ता तभी यहाँ पे सीरियल नंबर शो करता। तो अपना यहाँ पे सीरियल नंबर शो कर रहा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपन जो फर्मवेयर इंस्टॉल कर रहे थे 12.5.8 वाला, तो यहाँ पे इसको अपन सेलेक्ट करने वाले। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट वाले बटन पे अपन टैप कर देंगे और यहाँ पे मैं अपने फोल्डर को यहाँ पे लोकेट कर लेता हूँ। कहाँ यार, वो डेस्कटॉप पे रखा था और यहाँ पे डाउनलोडेड फोल्डर पे मैं इसको डाउनलोड किया था। हाँ, यहाँ है मिलिया 12.5.8। इसको अपन ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको ये एरो वाले बटन पे भी टैप करके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये अपन सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे अपन ओके पे टैप कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल का पाथ है आ जाता। अब यहाँ पे नीचे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, क्लीन ऑल, ये सेव यूजर डेटा और क्लीन ऑल एंड लॉक। क्लीन ऑल से क्या होता, आपका डिवाइस यहाँ पे फ्लैश हो जाता और आपका बूट लोडर लॉक नहीं होता। अगर आप क्लीन ऑल एंड लॉक वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको फ्लैश करेंगे तो आपके डिवाइस का बूट लोडर लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, अगर आप अपने डिवाइस का बूट लोडर लॉक करना चाह रहे तो क्लीन ऑन एंड लॉक वाले ऑप्शन पे इसको चेक कर दीजिए। अगर नहीं चाहते डिवाइस का बूट लोडर लॉक होना तो क्लीन ऑल वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए। सेव यूजर डेटा मैं क्या है कि अब तक ये नहीं ट्राई किया, कभी इन फ्यूचर मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ सेव यूजर डेटा से क्या होता। तो मैं यहाँ पे अपने डिवाइस का बूट लोडर लॉक करना नहीं चाहता तो मैं क्लीन ऑल वाले ऑप्शन पे चेक करके इसको यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा। एट द टॉप आपको फ्लैश का बटन मिल जाता, सिंपली इस पे टैप कर देंगे अपन तो यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वेट करो। यहाँ पे इसको फ्लैश होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 15 to 20 minutes में ये फ्लैश कंप्लीट कर देता। तो सिर्फ आपको वेट करना है, अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट भूल के भी मत कर देना। मैं वीडियो को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अपने को यहाँ पे एक छोटा सा एरर भी फेस करने को मिला। ये एरर किस चीज का है मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अपन अपने डिवाइस का बूट लॉक नहीं किए हैं तो यहाँ पे अपने को ये छोटा सा एरर फेस करने को मिल रहा। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका डिवाइस खुल जाता। अगर आप अपने डिवाइस का बूट लॉक कर देंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी एरर फेस करने को नहीं मिलेगा। तो अपन इस एरर को इग्नोर करेंगे और अपन चलेंगे अपने डिवाइस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना डिवाइस ऑटोमेटिक बूट हो रहा। तो इसको बूट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मैं जल्दी से इसको बूट कर दो, आपको सेटअप करके बता दो कि MIUI 12 जो अपने डिवाइस में इंस्टॉल हुआ या नहीं, डाउनग्रेड प्रोसेस अपन कंप्लीट करें या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने एक डिवाइस का जो सेटअप कंप्लीट कर लिया है। मैं चलूंगा अपने डिवाइस के सेटिंग्स पे, अबाउट फोन पे मैं टैप करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI 12.5.8 अपने डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है। तो ऐसा आप अपने कौन से भी Xiaomi के डिवाइस को जो डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मोटिवेशन के लिए। और भी ऐसे वीडियो अपने चैनल पे आने वाले हैं, अगर आप सपोर्ट दिखाए तो मैं और भी ऐसे वीडियो लेके आऊंगा चैनल पे। और इन फ्यूचर में अपन वीडियो लाने वाले कि कैसे आप अपने कौन से भी Xiaomi के डिवाइस को विदाउट पीसी के डाउनग्रेड कर सकते। तो थोड़े दिनों में वो कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था डाउनग्रेड प्रोसेस पे, तो उसमें कुछ क्वेरीज आए थे। अगर आप बोलोगे इन क्वेरीज पे आप वीडियो बनाओ तो मैं इस पे वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मेक अ वीडियो ऑन क्वेरीज लिख देना है, तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा उस वीडियो में। तो चलो फिर अपन हम वीडियो को एंड करने वाले हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।